हेलो गाइस, मैं तारा मेहरा एक नई वीडियो लेके आया हूँ पीजीआई की। पीजीआई जो चंडीगढ़ में स्थित है, इस हॉस्पिटल में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के पेशेंट आते हैं और बहुत से और राज्य के पेशेंट भी यहाँ पे आते हैं। यदि लुधियाना, पंजाब में कहीं भी पेशेंट का ट्रीटमेंट ना हो तो वो पीजीआई रेफ़र करते हैं। जैसे कि हमारे पेशेंट को रेफ़र करा हुआ था, तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि पेशेंट का स्ट्रेचर लो, स्ट्रेचर लेके आपने ही पेशेंट को एमरजेंसी में लेके जाना है और आपको ही वहाँ पे डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके देगा। टोकन वगैरह जैसे कि नंबर देख सकते हो, 20 नंबर काउंटर पे मैंने स्टैंप लगवानी है। उसके बाद आपको स्टिकर मिलेंगे और उसके बाद आपको बताया जा गया आप 21 नंबर पे जाओ, 24 नंबर पे जाओ, 36 पे जाओ, 28 पे जाओ, ठीक है। तो आपने वहीं पे जाके ब्लड सैंपल जमा करवाने हैं। जो पढ़ा लिखा है वो तो करवा देगा, बट अनएजुकेटेड पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा। जाओ, काम उसने 15 मिनट में करना है, पढ़े लिखे ने उसने उसको आधे घंटे में करना है। तो आप जब भी जाते हो 3 से 4 बंदे लेके जाइए। सिक पेशेंट है उसको एम्बू भी करना पड़ेगा, वो डॉक्टर या नर्स नहीं करेगी, जहाँ उनके पास ऐसा बेड नहीं है, आपको ही मैनुअली करना पड़ेगा। रात का टाइम था, देखिए पेशेंट के रिलेटिव कैसे यहाँ पे नीचे लेटे हुए हैं। पेशेंट वो है, वो स्ट्रेचर पे है, वहीं पे उनका इलाज होता है। यदि डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो आप एमरजेंसी में जाके पेशेंट को डॉक्टर को बुला सकते हो ट्रीटमेंट के लिए, या तो नर्स को बुला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जाते ही रूम मिल जाए, हॉल मिल जाए, वहीं पे आपके पेशेंट के आले दुआले नर्स या डॉक्टर रहें, नहीं। आपको वेट करना पड़ता है कि 15-15 मिनट की डॉक्टर आएगा तभी हमारे पेशेंट को देखेगा। ये पेशेंट को आए हुए को 18 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए हैं, ताकि हमें कोई ऐसा बेड मिल जाए रूम में, ताकि हमारा पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से चल सके, ताकि नर्स डॉक्टर हमारे आसपास में हो। बट यहाँ पे बेड मिलना बहुत मुश्किल होता है। यदि आपकी कोई सिफारिश तगड़ी है तभी आप जा सकते हो, नहीं तो वहाँ पे इतना कोई नहीं पूछता। यदि आपका ट्रीटमेंट चल पड़े तो फिर आपका ट्रीटमेंट अच्छा ही चलेगा, ठीक है। तो ये रात का टाइम था, रिलेटिव इधर उधर लेटे हुए हैं नीचे, पेशेंट स्ट्रेचर पे था। ये भी वो पेशेंट है जिनको बेड मिल चुका है, आईसीयू के पेशेंट है, नहीं तो ऐसे बेड मिलते ही नहीं है। तो सैंपल देने के बाद मैं नीचे आ रहा था, तो मैंने घूम फिर के देखा कि पीजीआई क्या चीज़ है। भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा। देखो, यदि आपका कोई इंश्योरेंस है तो अच्छी बात है, यदि इंश्योरेंस नहीं है तो आपको इधर उधर धक्के तो खाने पड़ेंगे। यदि आपका पेशेंट सिक है, आपको लगता है कि यदि मैं इसका ट्रीटमेंट ना दिलाऊं तो 2-4 दिन, हफ्ता पेशेंट निकाल जाएगा, फिर तो आप पीजीआई लेके आ सकते हो। यदि बोलो कि अभी 24 आवर्स है आपके पास या कुछ घंटे बचे, आप जाओ ट्रीटमेंट ले लो, तो पीजीआई वाले भी आपकी बात नहीं सुनते। डॉक्टर यही बोलते हैं कि पेशेंट मरने वाला है, क्यों ले आए यहाँ पे, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हो अपना। आप घर में जाके आप सेवा करो, या आप लोकल हॉस्पिटल में इनको रख लो, यहाँ पे आप क्यों लेके आए हो, ठीक है। ऐसे ऐसे उनका बोलना होता है कि पेशेंट बचना नहीं है, चाहे 2 घंटे निकाल दें, निकालने को 24 घंटे निकाल दें, 48 घंटे निकाल दें, बट इन्होंने बचना नहीं है। तो वही सेम हमारे पेशेंट के साथ हुआ है। पेशेंट को 8 बजे स्टोकिस्ट ब्रेन की जो नाड़ी थी वो फट गई थी, और सुबह 4 बजे तक हमारा पेशेंट डेड हो गया था, एक्सपायर हो गया था। तो इसीलिए उन्होंने बेड भी नहीं दिया। तो बोल रहे थे बेड होगा, हम तब भी नहीं हमको बेड दे सकते, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने अंडर लेने की सोचे गए नहीं कि हाँ भी ये पेशेंट है, मैं क्यों लूँ, ठीक है ना। तो कह रहे कंडीशन सही है फिर तो वो ले लेगा, अदरवाइज ऐसा वो नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि पेशेंट ने बचना ही नहीं है, पेशेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कोई डॉक्टर लेगा ही नहीं, कहने का मतलब जब आप आईसीयू में या वार्ड में जाते हो तब, बट एमरजेंसी में जाते हो तब तो आपको अंडर वो एडमिट कर लेंगे, आपका कार्ड बना देंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बट जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो वाला नहीं आपको मिल पाएगा, क्योंकि उनको कंडीशन के हिसाब से ही वो पेशेंट को लेते हैं। जे सुबह 6 बजे का दृश्य था, तो आप देख सकते हो हॉस्पिटल के बाहर सड़क पे कैसे पेशेंट के रिलेटिव लेटे हुए हैं। उनको सोने के बैठने की ऐसी कोई जगह नहीं है, खाना पीना सारा बाहर ही है उनका। कभी भी आओ पीजे तो सोच समझ के आओ, यदि सांस ले सकता है 24 घंटे 48 घंटे जी सकता है फिर तो ले आओ, यदि एमरजेंसी है फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर। बाकी बचना नहीं बचना वो तो भगवान के हाथ होता है। यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है मेडिकल रिलेटेड, तो आप मेरे को वीडियो सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपकी बातें ऊपर तक लेके जा सकूँ।